नमस्कार, आप देख रहे राजधानी समाचार। और अयोध्या में राम जन्मभूमि का पूजन होने वाला, उसी को लेकर जो मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बार बार बयान आ रहे हैं कि असम मुहूर्त है और ये मुहूर्त है, कई प्रकार के बयान दे रहे हैं वो। तो भोपाल के सांसद प्रतिनिधि प्रेम गुरु हमारे पास बैठे, उनसे हम मुद्दों के बाद भी पूछेंगे और कुछ चर्चा भी करेंगे कि क्यों दिग्विजय सिंह बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं। आप क्या चाहते हो, क्यों बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं दिग्विजय सिंह? क्या लगता है आपको राम जन्मभूमि का इतना बड़ा पूजन होने भूमि पूजन होने वाला, उसको लेकर? पहले सभी को नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। कल राम जन्मभूमि मंदिर का जो हमारा शिला पूजन हो रहा है, उसके लिए सभी को भूमि पूजन के लिए बहुत बहुत बधाइयां। और दिग्विजय सिंह का जो बयान आया है कि असम मुहूर्त है और मोदी जी को नहीं करना चाहिए 5 तारीख को, क्या लगता है आपको, क्या असम मुहूर्त है? दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं जी, इसमें कोई शक नहीं। और जब जब शुभ काम होते हैं जी, वो अपनी असुर शक्ति का प्रदर्शन कर देते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। 500 साल में ऐसा मुहूर्त निकला है और भगवान श्री राम माता जानकी बजरंग बली के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत है क्या? जिनके नाम से संकट समाप्त हो जाते हैं, जिनके नाम सुमरने से आम जनता का काम हो जाता है, संकट मिटे मिटे सब पीड़ा, ये हम गाते हैं, इसको गाने से हमारा उद्धार हो जाता है। ऐसे प्रभु श्री राम को कौन से मुहूर्त की जरूरत है? ये सब मुहूर्त, पंचांग, नक्षत्र, ग्रह सब उन्हीं के तो बनाए हुए, और उनका मुहूर्त निकालने वाले परम ज्ञानी जो हिंदुत्व हिंदू भगवादहारी को आतंकवादी कहने वाले आज सनातन धर्म के पुजारी बन रहे हैं, इससे शर्म की और कोई बात होगी? अगर इनको मुहूर्त का इतना ज्ञान है तो अपने मुख्यमंत्री को मुहूर्त दिखा के बिठाते, राजस्थान के मुख्यमंत्री को मुहूर्त दिखा के बिठाते, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को मुहूर्त दिखा के बिठाते। इन्होंने क्या मालूम कौन सा मुहूर्त देखा, सफाया होता चला जा रहा है। पूरी कांग्रेस का दिनों दिन धीरे धीरे शने शने सारा खत्म होता जा रहा है। वो अपना मुहूर्त देखें, भगवान राम को उनको मुहूर्त दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को मुहूर्त दिखाने की ज़रूरत है कि वो किस अशुभ घड़ी में दिग्विजय सिंह जी को राज्यसभा सदस्य बनाए और दनादन वो टूटते जा रहा है। विधायक एक तरफ तो उनके रोक नहीं पा रहे, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी ओर तो राम मंदिर के लिए मुहूर्त बता रहे हैं, तो इससे क्या विचारधारा, क्या बात करते हैं दिग्विजय सिंह? अब आप ही जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो उसका उत्तर वही है, जो अपने घर में आग लगी हुई है उसको बुझा नहीं रहा, बाजू वाले से कह रहा कुआं तुम्हारा 30 फीट दूर खुदेगा, वहाँ पानी निकलेगा। ये कितना हास्यास्पद है। और जब जब भगवान श्री राम का इतिहास रहा है, जब जब भगवान राम के कार्य हुए हैं, जब जब उन्होंने साधु संत यज्ञ की रक्षा करी है, तब तब असुर शक्तियों ने उन पर आक्रमण किया है। ये इतिहास है भगवान श्री राम का। और अगर उनके जन्मभूमि में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं तो वो परंपरा निभा रहे हैं, वो उनके वंशज का की परंपरा निगार रहा है। हम सनातनी धर्म की परंपरा नहीं निभा रहे, सबको अपना काम करने का। इकबाल अंसारी जो बावरी मध्य के पक्षधार थे, उनने भी मतलब निमंत्रण गया, वो भी तैयार हैं और रामायण का भेंट भी देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? इकबाल अंसारी हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं, वो भगवान श्री राम पूरे ब्रह्मांड के अखंड नायक हैं, माता सीता अखंड नायिका हैं ब्रह्मांड की, जिनसे जल जंगल जलवायु जीवन वायु सारा उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। पवन पुत्र हनुमान स्वयं पवन के पुत्र हैं, पवन की तरह उनकी गति है, अद्भुत बलशाली, जिनमें अद्भुत बल है, बल बुद्धि ज्ञान गुण सागर सब कुछ उनके पास में, जिन्होंने ब्रह्मांड की संरचना करी है। तो उनके लिए जाति कोई मायने रखती, उनके लिए वो हृदय मायने रखता है जिसमें उनका राम विराजता है। अगर अंसारी जी के अंदर राम विराजेगा तो ऐसे सारे अंसारियों का इस सनातनी धर्म में, इस परंपरा में हम स्वागत करते हैं। और मोदी जी ने वही किया, उन्होंने कहा राम मंदिर यहाँ बनना चाहिए था,
उनके पिताजी ने कहा था कि यहाँ राम मंदिर की जगह राम मंदिर बनना चाहिए था, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और मोदी जी ने सबसे पहला उनको निमंत्रण भेजा है। ये मोदी जी ने बड़े हृदय का परिचय दिया, वो मोदी जी का कहना है, उन्होंने बता दिया है कि मैं किसी जाति से विरोध नहीं करता हूँ, जो गलत सोच गलत नीति वाले लोग हैं उनका मैं विरोध करता हूँ। आप कैसे देखते हैं इतने बड़े कार्यक्रम होने वाला है अयोध्या में, क्या खुशी है और क्या उत्साह अपने विधान लोकसभा क्षेत्र में? जितने पुराने 500 साल में हिंदू सनातनी लोग हुए, वो किसी भी दल के हों, वो चाहे बजरंग दल के हों, वो चाहे आरएसएस के रहे हों, वो चाहे शिवसेना सैनिक रहे हों, वो किसी भी दल के हों, वो विश्व हिंदू परिषद के रहे हों, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सादर वंदन करता हूँ कि इस लड़ाई को, इस जमीन को उन्होंने भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए 500 साल तक निरंतर ये लड़ाइयाँ लड़ते रहे, निरंतर लड़ते रहे, शहीद हो गए कई लोग, कई बलिदानी हो गए, कई लोगों ने जीवन अपना पूरा इसी में प्रचार में न्यौछावर कर दिया, और मैं ईश्वर को, भगवान श्री राम को बहुत बहुत आशीर्वाद मानता हूँ कि मैंने अपने समय में अपने सामने राम मंदिर का आंदोलन मैंने भी भाग लिया। मैं भी कभी कार सेवा के लिए गया था और हम लोग सतना के आगे गिरफ्तार हो गए थे, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे उस समय 90 में, तो हम लोग सतना के आगे गिरफ्तार हो गए थे बाबरी मस्जिद के टाइम, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ से गिरफ्तार हो गए, तो वो गिरफ्तारी और विहंगम दृश्य मैंने देखा था, तो ये 500 लड़ाई कैसे लोगों ने लड़ी है, अद्भुत क्षमता रही होगी उन लोगों में कि इसको योजनाबद्ध तरीके से निरंतर लड़ते रहे, और मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लड़ाई उन्होंने लड़ी, वो चले गए, लेकिन उस योद्धाओं के द्वारा, उन लड़ाइयों के द्वारा आज राम मंदिर का निर्माण की पहली नींव 5 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी जा रही है, हमारे मोदी जी के द्वारा रखी जा रही है, और इसको मैं अपनी आँखों से देखूँगा, मंदिर निर्माण करते हुए देखूँगा, तो ये मेरे जीवन का सबसे सुखदायी, आनंददायी और यादगार रखने वाला समय रहेगा। और मैं सभी जो दिवंगत आत्मा है उनको शत शत प्रणाम करता हूँ, भगवान श्री राम की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सांसद प्रतिनिधि भोपाल के वहाँ पास बैठे थे गुरु, इनसे काफी मुद्दों पर बात भी की, और राजधानी भोपाल से नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।